Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. Dr. Homi Bhabha Bal Vigyanik Competition की तैयारी कर रहे हैं. इस तैयारी में मैं आपकी मदद कर रही हूँ और आपकी तरफ से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. बहुत अच्छा लगता है. बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जाने वाले हैं. चलो अच्छी बात है. आज एक MCQ सॉल्व करते हैं स्टैंडर्ड 6 के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज एडिबल रूट्स एंड लीव्स. ऑप्शंस में पोटैटो, कैबेज, रेडिश, मस्टर्ड. ठीक है, जो बच्चे अपनी माँ का सुनते हुए अच्छे से खाना खाते हैं उनको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली. सही बात है ना. अगर आप घर में माँ का सुनते हो, उन्होंने जो भी आपके लिए बनाया है वो खाते हो, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करते आने वाला है. चलिए फिर देखो. हमें पूछा है एडिबल रूट्स एंड लीव्स इनमें से कौन से प्लांट के हैं. तो अगर आप याद करो तो पोटैटो जो है वो स्टेम होता है. जो हम पोटैटो खाते हैं दैट इज स्टेम. कैबेज जो हम खाते हैं दैट आर लीव्स. रेडिश जो है उसमें हम रूट्स और लीव्स खाते हैं. ठीक है. और मस्टर्ड की बात करो तो इसके लीव्स और सीड्स खाए जाते हैं. राइट. तो क्वेश्चन के हिसाब से देखो, एडिबल रूट्स एंड लीव्स, तो खाने लायक रूट्स एंड लीव्स होते हैं रेडिश के. बस फिर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा. ठीक है. तो देखो, होमी बाबा एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले अपना खाना अच्छे से खाया करो. हेल्दी फूड खाया करो, न्यूट्रिशियस फूड खाया करो. अपना पेट डस्टबिन नहीं है, कुछ भी उसमें डाला करो, ऐसे मत करो. ठीक है. तो इसके साथ ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया. ऑलराइट. यहाँ पर वीडियो भी कंक्लूड कर रही हूँ. ऑफकोर्स मेल आईडी शेयर किया हुआ है, आप भी मुझे मेल कर सकते हो. कुछ डाउट होगा, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो पूछ सकते हो. आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो टू हिट द बेल आइकॉन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.